नमस्कार, आप सभी लोग का हमारे वीडियो चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप्स पर मिलीमीटर का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सभी सीएनसी मशीन्स का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब सॉफ्टवेयर में स्टेप्स पर मिलीमीटर की वैल्यू डालना पड़ता है, तो उसका कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये लीड स्क्रू है, इसका पिच 8 mm है, इसके साथ में नट है, यहाँ पर एक कपलिंग है और ये स्टेपर मोटर है, नेमा 17 स्टेपर मोटर है। लीड स्क्रू का पिच यहाँ पर 8 mm है, इसका मतलब ये है कि जब हम स्क्रू को एक राउंड घुमाएंगे तो ये नट 8 mm आगे जाएगा, या एक राउंड उल्टा घुमाएंगे तो 8 mm पीछे आएगा। इसके साथ में एक कपलिंग है, कपलिंग के साथ ये नेमा 17 स्टेपर मोटर है। इस स्टेपर मोटर का एक रिवॉल्यूशन घुमाने के लिए हमको 200 स्टेप देना पड़ते हैं, मतलब कि इसको 200 स्टेप जब पल्स देंगे तब एक रिवॉल्यूशन घूमेगी। इसको पल्स देने के लिए ड्राइवर मॉड्यूल लगा हुआ है, 84988 ड्राइवर मॉड्यूल है। इसमें हमारे को स्टेप पल्स माइक्रो स्टेप सेटिंग करने की सुविधा मिलती है। यहाँ पर हमने 2, 4, 8 और 16 चार टाइप्स माइक्रो स्टेप सेटिंग करते हैं, पर यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली 8 माइक्रो स्टेप्स की सेटिंग की हुई है। इसके अलावा इसको ड्राइव करने के लिए आर्डिनो कंट्रोलर बोर्ड लगाया गया है। आर्डिनो कंट्रोलर बोर्ड को USB केबल के द्वारा PC से जोड़ा गया है। PC के साथ ये मॉनिटर है, मॉनिटर में GRBL सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। यहाँ पर हमारे को स्टेप्स पर मिलीमीटर की वैल्यू सेट करने का है, तो स्टेप्स पर मिलीमीटर की वैल्यू सेट करने के लिए एक सामान्य फार्मूला है, स्टेप्स पर मिलीमीटर इजिकल टू स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन ऑफ मोटर मल्टीप्लाई बाई माइक्रो स्टेपिंग डिवाइडेड बाई पिच ऑफ दी लीड स्क्रू। इसको दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, टू फाइंड आउट द स्टेप्स पर मिलीमीटर इजिकल इज डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ लीड स्क्रू इज इक्वल टू पिच ऑफ द लीड स्क्रू दैट इज इक्वल टू 8 mm। स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेपर मोटर फॉर वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 200 स्टेप्स। स्टेप्स गिवन टू ड्राइव मॉड्यूल इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1600 स्टेप्स। स्टेप्स गिवन फॉर 8 mm इज इक्वल टू 1600 स्टेप्स, देयरफॉर स्टेप्स फॉर 1 mm इज इक्वल टू 1600 बाई 8 इज इक्वल टू 200 स्टेप्स पर मिलीमीटर। ये जो 200 स्टेप्स पर मिलीमीटर की वैल्यू आती है, इसको यहाँ पर सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है। डाला 0 इज इक्वल टू 200 एक वैल्यू डालेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। इस तरह से एक सीएनसी मशीन में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ वीडियो आप चाहते हों तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बतलाएं, तो मैं आपकी आवश्यकता के हिसाब से वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।